Jesus came. Come on. भाई साहब बहुत ही शिद्दत से लिखा, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है। मेरे रस के कमर। बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना, ये वाला गाल दूसरे गाल जाके चमक जाएगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? काय कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपी डाला सुना रहे? अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन दो दत्ता, उसमें कहा कोई और कहता है। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, पगला गए क्या? कुछ अपना सुनाइए, तलकता बड़कता एकदम। तो लो भाई, हम तलकता बड़कता लियो, अब बिल्कुल तलकता बड़कता। हेलो हेलो, एक दो तीन, आवाज आ जाए। ज्यादा माइक में ना घुसो, मुंह चपक जाएगा। हाँ लो 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 लो, अंदर मामा पाइक पजामा। दिमाग खराब करे, हमको तो संयम नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो कहाँ आए हो यहाँ? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है कि आसमां में उड़ती चिड़िया, जमीन पे रहते पशु। आसमां में उड़ती चिड़िया, जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए छोड़िए, संजीव नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए जी चप्पल जी, आइए। सब किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ वही होना जो कल लोग वाली गली में छत पे खड़े होके हमको देख के हंस रहे थे, है ना? और हमने कहा बेटा काहे की से बगाड़ रहे हो, है ना? है ना? है ना? हाँ, मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है? तभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद दे। मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ था, चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या मजा आ गया, कौन सा रस प्राप्त हो गया बताइए? नहीं, क्या मजा आ गया आपको पहली पंक्ति में ही? ऐसा आपको क्या नजर आ गया कि लग रहा है कि मैंने कह डाला? अरे वो हास्य कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे छोड़िए उस चप्पल जी, सारी गलती हो गई, कुछ ज्यादा ही गलती हो रही है आपसे। देखे रहिएगा कहीं गलती का घड़ा भर ना जाए हमारे सामने। अरे कविता सुनाई इसमें। मेरी आज पत्नी खराब हो गया, खराब हो गया। क्या सुनाए बताइए? कविता सुनाने के लिए मूड बनाना पड़ता, पर मैंने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा वर्तमान होना ले रहे हो। कुछ नहीं हुआ, मोबाइल चलाइए बस। माफ कीजिए आप लोगों को, एक बार फिर कष्ट हुआ। इधर कष्ट हो रहा हो क्या रहा है? कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कभी सम्मेलन रखे हो, हमने तो कष्ट दे दिया, तो यही भगवान के पत्ते गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। क्या बात है, क्या बात है? जी हाँ, कि गाय हो या बंदर हो सबका करो आदर, पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो।
क्या बताएं, इतनी बढ़िया बढ़िया शायरी सुना तो कोई रिस्पॉन्स से नहीं आता। चलिए अगले कवि का स्वागत कीजिए। वरिष्ठ कवि हैं श्री हृदय मुस्कान तिवारी जी। हृदय मुस्कान तिवारी जी, स्वागत है आपका। हृदय मुस्कान तिवारी जी, आइए हृदय मुस्कान जी आइए। छुपी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी दाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता। पहला कवि देखा जो सच में कविता सुनाया। अरे सब गवा तो हम थोड़ी गवा। आगे सुनो। पीछे ताश खेली जा रही। अब कौन ताश खेल रहा यार, तुम लोग तो थोड़ी देर राइट नहीं हो रही। जितनी देर कभी तुम मेरे चंदा उठी देर में तुम लोग जुआ ताश सकता तो खेल डालो। आज मैं ऊपर खेल लड़ा, हम खेल लड़ा। ए बेटा, ये हमारी कविता पहली पंक्ति है। आज नहीं हम का चला धरे। और तो पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें पेली जा रही। बेटा अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे सुनो। अपने कहा पापा से बैठ ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डाली तेरे लिए। अरे खड़खड़ा पैर पे चल गया, जान जा रही। खड़खड़ा पैर पे चल गया, जान जा रही। पंखा मंच पे गिर गया, एम्बुलेंस आ रही। ना कोई रास्ता ना कुछ, क्या सुना हमको, समझ नहीं आता इतने लोग कभी कैसे बन जाते हैं। बेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। दिमाग नहीं कहा बच्चा, गोबर भरा का। अरे ऐसे लोगों पे हमें शायरी सुनाते रुको। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई उड़ा। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई उड़ा, जब कविता समझ में आए नहीं दिमाग भरा पूरा। जब ये बैठ चुका